अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये इतना लंबा बाल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? किसका है ये बाल? सुंदरी, तो सुंदरी का होगा, वही आई थी। कपड़े बदलकर नीचे आ जाना, अब हम अपना व्रत खोलने जा रहे हैं। भला टली 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 आप सबने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखा है, अपने पतियों के हाथ से मिष्ठान खाकर ये व्रत खोलिए। मतलब व्रत खोलने समय तो हमारा भी हो गया है। जीत की प्लेट है। अब रुकिए। अरे भाई साहब, ये खाना लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए ना, इसमें अभी बचा हुआ है खाना, इसे फेंकेंगे तो अन्न का अपमान होगा ना। लाइए, हमें दे दीजिए, हम खा लेते हैं। पर ये तो छोटा सा कुछ उठा है भैया जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फैन है हम उनके। आप नहीं जानते हैं क्या, अगर हम उनका जूठा खाएंगे तो हो सकता है कि हमें उन्हीं की तरह शक्ति थोड़ी ज्यादा आ जाए। हाँ कि नहीं? लाइए, हमें दीजिए। जीत का झूठा खाना क्यों खाएगा भला? कुछ तो गड़बड़ है। कृष कर क्या रहा है? ये मूछ लगाकर हम खाना अब तो नहीं खा सकते।
रिश्ता, इसका मतलब ये कृष्ण के प्लेस में कोई और नहीं, कृष्ण ही थी। मैं जिस बात का डर था वही हुआ। तुम एक बार फिर से आ गई ना, हमारी हमारी खुशियों को नजर लगाने, हमारी खुशियों को खाने एक बार फिर से आ गई। जीत का झूठा खाना खा रही है, इसका मतलब इसने भी हमारे जीत के लिए व्रत रखा था। नहीं कृष्णा, इस बार ना हम पुरानी वाली गौरी नहीं बनकर दिखाएंगे तुम्हें, बल्कि एक नई गौरी से तुम्हारा सामना होगा, क्योंकि इस बार हम सिर्फ जीत से प्यार नहीं करते, बल्कि हम जीत की पत्नी और अपने पति और बेटे को हम किसी से नहीं बांटेंगे। इस बार तुम जिस भी रूप में आओगी, हम तुम्हारा सामना करेंगे और तुम्हें अपने परिवार की खुशियां खाने नहीं देंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब हम तुम्हें बताएंगे कि एक पत्नी और एक माँ अपने परिवार की खुशियां बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। हम तुम्हें अपने और जीत के बीच नहीं आने देंगे और ना अपना शिव तुम्हें छीनने देंगे। या बिस्तर तो अब अनमोल का बंधेगा, और वो कैसे होगा? उसका रास्ता है मेरे पास। तू हमारे रजत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। कहीं हमारा सच किसी के सामने ना आ जाए। असली चाकू है। अरे छोटे उस्ताद, आप भाभी यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? ये हम उस्ताद जी नहीं है, हमारा नाम शिव है।
तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? हम तो हमारे उस्ताद जी मतलब आपके पापा उनसे अब पहलवानी सीखने आए हैं। उनको 8 जिलों में नाम है उनका। हाँ सब जानते हैं उनको। हाँ पता है, उन्हें बहुत मेडल जीते हैं। तुम्हें मेरे पापा के पीछे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे पापा है और मैं उनका फेवरेट हूँ। समझे क्या समझाऊ? ऐसा ऐसा क्या है? मैं अपने पापा का बेटा हूँ, ये मुक्का दूंगा ना तो देर हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, छोटे उस्ताद जी हाथ नीचे करिए अपना। देखिए अब हम आपके और पापा के बीच में कभी नहीं आएंगे। पक्का पक्का प्रॉमिस। अब तो खुश? वेरी गुड। अच्छा छोटा उस्ताद जी एक बात बताइए हमें कि आप अपने पापा से ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी से? मेरे पापा बेस्ट है और पूरी दुनिया में मैं उनसे ही ज्यादा प्यार करता हूँ। गौरी तो गौरी है, मैं उन्हें मान्य बुलाता हूँ, वो बस गौरी है। गौरी? ये अपनी माँ को नाम से बुलाता है? अब मैं जा रहा हूँ और मेरी बात याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल उस्ताद जी, हम याद रखेंगे। गलती नहीं नहीं होगी आपसे। हाँ गुड। अब तो मैं कैसे बताऊं शिव कि हम भी कभी इस परिवार का हिस्सा थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यहाँ हमारी कोई जगह नहीं। चाहते तो एक झटके में आज तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देते कृष्णा, लेकिन कोई भी माँ अपनी औलाद के सामने खूनी नहीं बनना चाहती। हमारे बेटे शिव की बदौलत आज तुम बच गई, मगर अब बहुत वक्त तक तुम्हें यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। आज बच गई हो, लेकिन हम जानते हैं कि आगे तुम्हारे साथ हमें क्या करना है। अरे सुनो सुनो सुनो, देखो यहाँ सब ठीक है, लेकिन बाहर की सजावट अच्छे से देख लेना, ठीक है? हमें एंट्री एकदम शानदार चाहिए। जी हाँ जी बिल्कुल, आप तो आइएगा अपने साथ साथ अपनी बच्चियों को श्रुति दिव्या को भी लेकर आइएगा। आज शाम 7 बजे से पार्टी शुरू है। देख शिव बेटा, सारी चीजें तेरे लिस्ट के हिसाब से है, सब गिफ्ट पैक करके रखी है, सुबह हो जाएगी गिफ्ट खोलते खोलते। हाँ शिव बेटा ये देखो हमने क्या बनाया है, तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा। चक्के बताओ तो कैसा बना है? ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, ये देखो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है यहाँ। ये देखो यहाँ सारे के सारे बलून भर दो, ठीक है? अगर हमारी गोपी सबके साथ इसी परिवार में पली बड़ी होती तो शायद उसका जन्मदिन भी सब मिलकर ऐसे ही मनाते, सब उसके लिए तोहफे लाते, उसकी पसंद का खाना बनता, सब उसे आशीर्वाद देते। सारे बच्चों का ना मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जी
गौरी भाभी, आपने जो मास्क मंगाए थे ना, वो आ गए। लीजिए, हमको भी बहुत काम है, बर्थडे है ना, हम जाएं? हाँ जाओ। ओ क्रिश, जान कर भी अनजान क्यों खड़े हो? हमारे पड़पोते को बधाई दो। आज इस घर में सबसे बड़ा त्योहार है, हमारे शिव का जन्मदिन। हाँ हाँ बिल्कुल। वाह भाई वाह, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई आपको। हमेशा खुश रहो और दूसरों की खुशियों का कारण भी बनो। जीतते रहो। इधर आओ। थैंक यू, पर मेरी बात याद रखना। हाँ बिल्कुल याद है। गौरी बैग दो। जी। ये लो, शाम को बर्थडे पार्टी में पहन के आना। जा। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए नहीं है। माफ कीजिएगा दादी, लेकिन ये बाहर वालों के लिए नहीं है, घर वालों के लिए। और एक सेकेंड, ये वाला जो मास्क है ना, ये जीत का है, और ये वाला मास्क शिव के लिए है, और ठीक ऐसा ही एक और मास्क है हमारे लिए। तीनों के मास्क एक जैसे, जीत का, शिव का और हमारा, ताकि दूर से ही पता लग जाए कि शिव के माता पिता कौन है। बाकी सबके लिए दूसरे मास्क आए। जब तुम अपनी आंखों से ये देखोगी कृष्णा की जीत अपने परिवार के साथ और खास करके अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे शिव के साथ कितना खुश है, तो तुम खुद ये घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी। नहीं, हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए आज की पार्टी का फायदा उठाकर हमें इस घर के भेदी को पकड़ना होगा। भाई धनवास, क्या हो गया तुम्हें, बात बात में डर क्यों जाते हो? भाभी वो आपको दिखते हैं ना। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस की है ना, जाके कुछ खा पी लो। क्या सोच रहे हो, मेहनत की है ना, कल और भी मेहनत करनी है। अच्छे से खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो हड्डियां दुखेंगी बाद में तुम्हारी। चलो जाओ। आज अगर कृष्णा ही शाम की पार्टी में नहीं आई तो हमारा प्लान कैसे काम करेगा? नहीं जीत, हम क्या सोच रहे थे कि आज रात की तो बात है, आना तो इस सभी पार्टी में, क्या फर्क पड़ता है, मजा आएगा, बाकी सभी तो आ रहे हैं। हाँ? नहीं गौरी, अभी अभी रेसलिंग शुरू की है इसने, पर अभी इसे ढिलाई दी तो अच्छा पहलवान नहीं बन पाएगा। और तुम तो हमारी एक बात सुनो ध्यान से, अच्छे से रेसलिंग करोगे तो बाद में मजा भी ले पाओगे और सजा भी नहीं मिलेगी, पर अगर अभी तुमने प्रैक्टिस में ढिलाई की ना तो यही मजा बाद में सजा बन जाएगा तुम्हारी। तो अब जाओ, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये चीज़ें अवॉइड करना सीखो, अच्छे से खा पी के सो जाओ, आराम करो। जी उस्ताद जी, बिल्कुल। चलो। अगर हम यहाँ पार्टी में नहीं रुके तो शिव पर नजर कैसे रख पाएंगे? उस पे कोई भी खतरा आ सकता है कभी भी, और फिर वो नंबर किसका है ये भी तो पता लगाना है, उस नंबर वाले को पकड़ना है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। जीत ने तो हमें मना कर दिया कि हम पार्टी में आ ही नहीं सकते, तो हम कैसे करेंगे ये सब कुछ? हमारी टेंशन कभी खत्म ही नहीं होती। गोपिका,
देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। क्या? इस मास और इस ड्रेस में तो हमारी गोपी का ही बेस्ट लगेगी। ये तुम्हारी ड्रेस। वाओ! दादी जी आपके लिए। बेटा क्या जरूरत? अरे रखिए रखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम्हारे लिए मास्क। वाओ! मेरे लिए? जी। ये तो बहुत ही प्रिटी है। थैंक यू संध्या आंटी, थैंक यू दरबार अंकल। कुछ तो ऐसे हो रही है जैसे इसका जन्मदिन हो। हाँ दादी माँ, हमें पता है उस बंदर का बर्थडे है, पर हम तो अपनी माई से मिलने के लिए खुश हैं। बहुत मजा आने वाला है पार्टी में। हम तो अपनी मास्क ट्राई करेंगे। काश तुझे पता होता कि वहां सिर्फ तेरी माई नहीं, पूरा का पूरा परिवार है। तेरे पापा, दादा, दादी, मौसी और दादी। अब देखो विधाता कब तुझे उनसे मिलवाता है, मिलवाता भी है या नहीं। ये नंबर भी नहीं लग रहा। अब बस यही एक आखिरी नंबर बचा है। अगर हमें कोई सुराग मिलेगा तो अब बस इसी से मिलेगा। पर हम नीचे कैसे जाएंगे? जितने तो हमें नीचे जाने से मना किया है। दरवाजा खोलो। आज की पार्टी में तुम्हारा आना बहुत जरूरी है कृष्णा, तभी तुम्हें ये पता चलेगा और यकीन होगा कि जीत अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे शिव के साथ कितना आगे जिंदगी में बढ़ चुका है और कितना खुश है। और वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा।